स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षक को उस मंदिर का भगवान जो नवनिहालों के भविष्य को संवारते हैं। लेकिन बस्ती जिले के खुदरहा बीआरसी पर शिक्षकों का एक ऐसा कारनामा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षक अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। बीआरसी कुदरहा में निपुण भारत कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण चल रहा था। कार्यालय में बैठकर खंड शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र कुमार त्रिपाठी अपना काम कर रहे थे। आरोप है शिक्षक कृष्ण कुमार वर्मा कुदरहा बीआरसी कार्यालय में घुसकर पीईओ पर ट्रेनिंग से छुट्टी के लिए दबाव बनाने लगे। पीईओ द्वारा मना करने पर गाली गलौज करने लगे। वहां ट्रेनिंग में मौजूद लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन कृष्ण कुमार वर्मा नहीं माने और अपने मित्र शिक्षक दिवाकर यादव चंद्रभान चौरसिया को बुला लिया। दिवाकर यादव ऑफिस में घुसते ही बीओ को जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पीड़ित खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ शिक्षक दस्तखत कर बाहर खड़े थे। उनको जब टोका गया तो उन लोगों ने अभद्रता करते हुए गाली गलौज की। इसकी शिकायत बीएसए से की गई। दिनांक 2 सितंबर को बीआरसी के परिसर में ही दो कच्चा में एक फिलहाल की ट्रेनिंग चल रही थी। तो लगभग ट्रेनिंग शुरू होने के लगभग 40 मिनट बाद मैंने उसका निरीक्षण किया तो देखा कि उपस्थिति बनाने के बाद हस्ताक्षर अंकित करने के बाद भी कुछ लोग बाहर टहल रहे थे। 50 की उपस्थिति होनी चाहिए थी और 42-43 लोग ही थे, 6-7-8 लोग क्लास में परीक्षण प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित नहीं थे। बता दें कि गालीबाज शिक्षक कृष्ण कुमार वर्मा प्राथमिक विद्यालय तुरकौलिया, दिवाकर यादव प्राथमिक विद्यालय तुरकौलिया, चंद्रभान चौरसिया विद्यालय दोफड़ा में तैनात है। इस मामले की त्रिस्तरीय जांच टीम गठित की गई है। यह पूरा घटनाक्रम बीते 2 सितंबर का बताया जा रहा है और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटनाक्रम के 2 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है। गालीबाज शिक्षक कितना रसूखदार है, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 महीने की जांच अब तक पूरी नहीं हुई। वहीं अब वीडियो वायरल होने पर बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने कहा कि जांच रिपोर्ट के लिए रिमाइंडर भेजा गया है, रिपोर्ट आने के बाद दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कुदरहा ब्लॉक में ट्रेनिंग के दौरान शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी में कहा सुनी हुई है, उसका वीडियो वायरल हुआ है। तो उसके मैंने 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया है, 3 खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए दिया हुआ है। तो अभी कुछ दिन हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं आई तो मैंने फिर से रिमाइंडर भेज दिया है। 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाए, उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाए।